subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Hi, I'm Rajkumar Rao and you're watching popbollywood.com. हाय गाइस, मैं हूँ मोनिका, आप देख रहे हो पॉप बॉलीवुड. और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है वेल जिनकी शादी हो रही है, लेकिन शादी के वक्त में काफ़ी सारे ऊपर नीचे चढ़ाव आते हैं. वेल लोग अक्सर ये कहते हैं शादी के लड्डू खाते फिर भी पछताते हैं, जो ना खाते वो भी पछताए. तो चलिए इनकी शादी को लेकर इन्हीं से बात करते हैं. राजकुमार जी, वेलकम टू पॉप बॉलीवुड. थैंक यू सो मच. ओके, सो सबसे पहले शादी में ज़रूर आना के बारे में बताइए, लाइक हाउ दिस हैपेंड. शादी में ज़रूर आना, मैं रत्ना मैम को मिला था काफ़ी पहले, लगभग एक साल पहले. तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए एंड आई रियली लाइक इट. मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उसके कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे लगे. उसका जो उन्होंने पूरा एक वर्ल्ड क्रिएट किया है स्क्रिप्ट में, वो बहुत रियल है और उसमें इतना बहुत एक प्यारा सा रोमांस है जिससे मैंने बहुत कनेक्ट किया. सो आई सेड यस, आई वुड लव टू डू दिस. जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है, लाइक एवरीथिंग इज़ फेयर बिटवीन लव एंड वॉर. तो वेल, ट्रेलर का एक हम पड़ाव बहुत अच्छा है और दूसरे में एकदम नेगेटिव हो गए हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए. मुझे एज एन एक्टर बहुत मज़ा आता है जब मुझे यू नो कुछ शेड्स प्ले करने का मौका मिलता है अपने फिल्म्स में. जैसे शादी में भी आप देखेंगे फर्स्ट हाफ बहुत अलग है, सेकंड हाफ एकदम ही अलग इंसान बन जाता है सत्तू, जस्ट लाइक बरेली की बर्फी. दे वर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़. सो एज एन एक्टर यही मैं ढूंढता रहता हूँ कि कितना एज एन एक्टर मुझे कितना परफॉर्म करने का स्कोप मिलेगा किसी भी कहानी में. तो शादी में ज़रूर आना, मैं बहुत स्कोप था मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत कुछ करने का. नॉट इवन माई कैरेक्टर, इवन आरती कैरेक्टर और जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट भी है फिल्म में. आई थिंक सबका कैरेक्टर बहुत ही सोच समझ के साथ बहुत ही अच्छे से लिखा गया था, जो कि मुझे किसी भी कहानी में बहुत अच्छा लगता है जब हर कैरेक्टर के ऊपर आप इतनी मेहनत से काम करते हैं. अच्छा, तो हमने जैसे देखा है कि यू आर वेरी चूजी विद स्क्रिप्ट, जैसे बरेली की बर्फी हो गई, न्यूटन हो गई या शादी में ज़रूर आना. तो आप लाइक कौन से टाइप की स्क्रिप्ट फंक्शन पे? ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से टाइप की, मैं हर कहानी पढ़ता हूँ और जो वो कहानी जो मेरे दिल को छूती है एंड नो प्रॉब्ली ऑफर्स मी समथिंग डिफरेंट, तो मैं उसको हाँ कर देता हूँ. कृति के साथ कैसा था आपका इक्वेशन शूटिंग? बहुत अच्छा था. हम लोगों ने आई थिंक कृति बहुत सिंसियर एक्टर हैं, बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए. तो और एज अ को एक्टर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मैं, कृति, रत्ना मैम, हम तीनों ने काफ़ी बॉन्ड किया सेट पे. तो आई थिंक एक पूरा जो 45 डेज का चंक था वो बहुत ही हंसते खेलते निकला, लेकिन जब हम काम करते थे तो वी वर रियली सीरियस अबाउट अवर जॉब. ओके, सो वेल, अगर मैं मूवीज़ की बात करूँ तो आपकी बैक टू बैक सारी मूवीज़ अच्छी हुई, न्यूटन हो, बरेली की बर्फी, या आपकी ये भी कह सकते हो बिकॉज प्रमोशंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है. तो हाउ यू आर डीलिंग विद दिस? दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू वर्क. या मतलब वही चाहता हूँ, मैं वही करने आया था, इस शहर में काम करने आया था और अच्छा काम मिल रहा है. आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन जो मुझे ऐसी कहानियों का हिस्सा बनने का मौका दे रहे हैं एंड आई एम जस्ट हैप्पी द वे इट्स गोइंग. ओके, तो वेल, आपकी मूवी राबता में आपका जो न्यू लुक था लोगों को काफ़ी पसंद आया था, तो आप कैसे ये सब मैनेज करते हैं? लाइक उसमें तो पूरा श्रेय जो है प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट को जाता है. उसमें मुझे सिर्फ पेशेंटली बैठना था 6 घंटे के लिए. इट वाज अ कैमियो, मैं उसमें कुछ 3-4 दिन शूट था मेरा, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं दीनू और होमी, उनके लिए मैंने किया था वो. तो लाइक आपने कभी सोचा था इतनी जल्दी न्यूटन जैसे ऑस्कर में गई है, तो इतनी जल्दी आपको ऐसे कुछ मुकाम मिलेगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा था, मैं सिर्फ काम करने आया था यहाँ पर. मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करने का बहुत शौक था बचपन से और उसके लिए काफ़ी मेहनत की, सीखी, पढ़ाई की और अभी वो हो रहा है. यू नो, वो सपने को मैं डेली जीता हूँ एंड आई जस्ट वांट दिस टू कंटिन्यू. तो लव, सेक्स एंड धोखा में आपने डेब्यू किया था, तब से लेकर अगर मैं आपको शादी में ज़रूर आना का सफ़र पूछूँ कि अब कुछ शब्दों में इनको बयां करें तो कौन सा? बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है. आई थिंक मैं बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि मुझे इतने अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला है. आई थिंक बहुत एज एन एक्टर मैंने काफ़ी ग्रो किया इन लोगों के साथ काम करके और मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी बस ऐसे ही चलती रहे. जैसे 2017 इतना अच्छा जा रहा है, आई होप 2018 भी उतना ही अच्छा जाए. अच्छा, तो टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का आपको क्या लगता है? कौन सी मूवी थी जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल गई? आई थिंक LSD एंड शाहिद, उसके बाद आपका सफर पूरा चेंज हो गया. हाँ, मतलब क्योंकि LSD फर्स्ट फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी, तो लोगों ने वहीं से नोटिस किया था. और शाहिद में क्योंकि लोगों ने एज अ लीड जब टाइटल पार्ट किया मैंने, तो उसके लिए जिस तरह का रिकग्निशन मिला, लोगों का प्यार मिला, तो उससे भी काफ़ी कुछ चीज़ें बदली. और इसके बाद अगर मैं मूवी को छोड़ के बात करूँ तो आप वेब सीरीज़ भी कर रहे हो, तो बोस और ये कितना डिफरेंस आपको नज़र आया एक वेब सीरीज़ में और एक फीचर? नॉट एट ऑल, कोई डिफरेंस नहीं है. आई थिंक जैसे आप फीचर फिल्म बनाते हो एग्जैक्टली वैसे ही आप वेब सीरीज़ बनाते हो. लेकिन आपके लिए अगर मैं प्रमोशंस पूछूं, बिकॉज आप जैसे कि दिख रहे हैं आपके पैर फ्रैक्चर, लेकिन स्टिल आप रेडियो विजिट कर रहे हो, आप हर जगह जा रहे हो, तो इतना पैशन है? जिम्मेदारी है, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी एंड मतलब मेरा कमिटमेंट है मेरे काम के लिए, तो वो तो नहीं रुकना चाहिए. ऑफकोर्स जब तक मैं एकदम ही बेड रिडन नहीं हूँ और मैं बिल्कुल नहीं कर सकता कुछ, जब तक ऐसा नहीं है, सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर है, तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे जाके सब जगह से बात करने में.
इसके अलावा मुझे आपसे ये भी जानना है कि जैसे आप एक हॉलीवुड में भी मूवी कर रहे हो आप नरगिस फखरी के साथ, सो हॉलीवुड का लाइक कितने एक्साइटेड हो? आई एम वेरी एक्साइटेड. नरगिस इज अ ग्रेट गर्ल और हमारी डायरेक्टर भी नाम था गुजराल, शी इज एन अमेजिंग लेडी और बहुत मज़ा आया. हमने चंडीगढ़ में शूट किया था, अभी उसकी शूटिंग बची है, मुझे US जाना है शूटिंग करने के लिए, पर कुछ पेपर वर्क चल रहा है. द मोमेंट इट्स डन तो मैं US जाके जो मेरा थोड़ा काम बचा है उसको ख़त्म करना है. अच्छा, तो अगर मैं आपको पूछूं कि तीनों में से कोई एक आप चूज़ करो, बॉलीवुड की मूवीज, हॉलीवुड की या फिर वेब सीरीज, तो कौन सी ईजी है? नहीं, ऑफकोर्स मेरे लिए तो काम है वो, मुझे एक्टिंग करनी है. मेरी एक्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो वेस्ट हो, इंडिया हो या वेब सीरीज हो, माई वर्क इज द सेम. तो शादी में जरूर आने का ट्रेलर के लिए आपको सबसे अच्छा रिस्पांस किसका लगा था? सब लोगों का, आई थिंक काफ़ी अच्छा हमको रिस्पांस आया, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया. लोगों ने बहुत लोगों ने मुझे बोला कि दे वर वेरी हैप्पी सीइंग मी इन दिस अवतार, कि मुझे एकदम ये रोमांस करते हुए लोगों ने बहुत कम देखा है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में एक्चुअली आई एम वेरी रोमांटिक पर वो फिल्म में कभी आया नहीं. तो इस फिल्म के जरिए वो बाहर आया एंड पीपल रियली अप्रिशिएटेड इट. कौन से टाइप का जॉनर आपको लाइक पर्सनली एक्सप्लोर करना था? ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनी ड्रीम जॉनर्स और ड्रीम पार्ट, ड्रीम डायरेक्टर्स. मुझे अच्छी कहानियाँ करनी है और जहाँ वो जहाँ से भी आए मैं उनका हिस्सा बनना चाहूँगा. कोई भी ऐसे ड्रीम एक्टर होगा आपका जिसको वो बचपन से देख के आए हो, ऐसा कभी लगा होगा कि इनकी बायोपिक है, इनका कुछ करना? नहीं, एज आई टोल्ड यू आई डोंट हैव एनी लाइक सच ड्रीम्स. मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था, मुझे फिल्म में एक्टिंग करनी है, फिल्म एक्टर बनना है और वो ड्रीम पूरा हुआ है और मैं उस और आई एम लिविंग दैट ड्रीम एक्चुअली एवरी डे. इसके साथ भी कोई ना कोई मूवी क्लैश होती है क्योंकि अभी बॉक्स ऑफिस पे है नहीं कि सिंगल कोई मूवी रिलीज़ हो, कभी ना कभी क्लैश आता है, तो आप वो क्लैश को कैसे देखते हैं? वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सोलो रिलीज़ हो, बहुत रेयरली होगा ऐसा, क्योंकि 52 फ्राइडेज हैं सिर्फ और हम लोग कुछ 300 फिल्म बनाते हैं, तो हर किसी ना कभी ना कभी किसी किसी किस फिल्म के साथ आएगी. पर एज लॉन्ग एज दो डिफरेंट फिल्म हैं तो इट्स फाइन. आई थिंक हर फिल्म की अपनी ऑडियंस होती है, वो ढूंढ लेती है. इसकी अगर मैं कोई फन लविंग ऐसे मेमोरी पूछूँ इस मूवी की, तो कौन सी? पूरी जर्नी है, आई थिंक पूरी जर्नी, जैसे मैंने कहा हम तीनों ने, मैं, रत्ना मैम हमारी डायरेक्टर और कृति, हम तीनों ने काफ़ी बॉन्ड किया सेट पे और बहुत ही पैशन के साथ हमने इस फिल्म को बनाया है. और वो जो स्मॉल टाउन का एक रोमांस है वो मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक था, क्योंकि मैं खुद गुड़गांव में पला बड़ा हूँ, तो मैंने भी ये सब हरकतें जो फिल्म में हो रही हैं मैंने अपने जो मेरे रोमांटिक रिलेशनशिप थे उन सब में ये चीज़ें की हैं. तो आपने कौन सा पर्सनली ज़्यादा एंजॉय किया, सेकेंड हाफ शूट करना या मूवी का? मैंने दोनों एंजॉय किए, मेरे लिए दोनों बहुत ही अलग एक्सपीरियंस थे. एक तरफ सिर्फ आपकी मोहब्बत ही मोहब्बत है और दूसरी तरफ सिर्फ एंगर है, बहुत गुस्सा है बिकॉज यू हार्ट ब्रोकन. तो दोनों ही इक्वली एक्साइटिंग थे मेरे लिए एज एन एक्टर. सो जाते जाते व्हाट यू वांट टू से? ये कि मतलब 10th नवंबर को आ रही है शादी में ज़रूर आना और आप इंटरव्यू देख रहे हैं और अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है हमारी फिल्म का तो पहले तो आप प्लीज़ जाइए यूट्यूब पर हमारी फिल्म का ट्रेलर देखिए. आई एम श्योर वो ट्रेलर आपके लिए नफ रीज़न होगा जाके 10th नवंबर को फिल्म देखते हैं. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी.